आपको 9/11 9/11 के बारे में तो इल्म होगा ही कि वो कोई हादसा नहीं था बल्कि एक सोची समझी चाल थी, लेकिन उस चाल के पीछे भी एक वजह थी, बहुत बड़ी वजह थी जो आज तक किसी के सामने नहीं आई। सब लोग जानते हैं कि इस हादसे की वजह से पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी तब्दीली देखने को मिली थी। दुनिया दो हिस्सों में बट गई थी, एक मुसलमान और दूसरे गैर मुसलमान। साथ ही इस हादसे की वजह से अमेरिका में एक डर का माहौल पैदा हो गया था। बाद में इसकी वजह से बहुत सारे बदलाव दिखाई दिए और इस हादसे का इल्जाम अलकायदा और ओसामा बिन लादेन पर लगाया गया, जिसकी वजह से मुसलमानों का जीना हराम कर दिया गया। मगर सच्चाई तो कुछ और ही थी। आज के वीडियो में हम उस झूठ को बेनकाब करेंगे और सच्चाई आपके सामने लेकर आएंगे, और वो सच्चाई आपके सामने खोलकर बयान करेंगे जिसके बारे में आप लोगों ने आज तक कभी नहीं सुना होगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वसी खान और आप देख रहे हैं मुस्लिम थिंकर्स टीवी। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, इसलिए इसको स्किप ना करें और मुकम्मल देखें। दोस्तों, हम आपको बता दें, इस हादसे का ओसामा बिन लादेन से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि इसके पीछे वो लोग थे जो आज भी पर्दे में रहकर पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं। और इस बात को मैं नहीं कह रहा, बल्कि आज वेस्ट में हर इंसान यही कह रहा है। साथ ही अमेरिका के एक राइटर ने, बड़े ही मशहूर राइटर ने एक किताब लिखी जिसका नाम था इनसाइड जॉब अनमास्किंग द 9/11 कॉन्स्पिरेसीज। खैर, इस हादसे में लगभग 3000 से ज्यादा लोग मारे गए थे और लगभग 6000 लोग जख्मी हुए थे। अब मैं आपको इस 9/11, जिसको वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का हादसा भी कहा जाता है, इसके बारे में एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ कि यकीनन आपने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना होगा। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि इस हादसे में न्यूमरोलॉजी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया था। न्यूमरोलॉजी यानी नंबरों का इल्म, जिसको जादू में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप देखेंगे तो जो कल्ट नंबर होते हैं, जो जादू करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, उन नंबरों का इसमें बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया है। आप इस हादसे के नाम को ही ले लें, वो भी एक नंबर की शक्ल में मशहूर किया गया था, जो था 9/11। इससे पहले आपको कोई हादसा याद है जिसे नंबर से पुकारा गया हो? मेरी नजर में तो ऐसा कोई हादसा नहीं है। अगर आपकी नजर में है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मुझे जानना है इसके बारे में। अब हम आपको बता दें कि इसमें जो नंबर 11 है, वो हर्मस के दो सुतून को जाहिर करता है। हर्मस फ्रीमेसन का गॉड है, जिसको हेरम आवीफ के नाम से भी जानते हैं, जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में एक जिन था और उसने हैकले सुलेमानी, जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इबादतगाह तामीर की थी, जो हमारे लिए एक मस्जिद है, उसकी तामीर में एक अहम किरदार निभाया था। खैर, फ्रीमेसन के अंदर दो सुतून हैं, जिनको ये लोग पिलर्स ऑफ टेम्पल भी कहते हैं, यानी उनको पिलर्स ऑफ टेम्पल भी कहा जाता है। इसलिए 11 दो सुतून, दो पिलर्स और उन दो टावर्स को जाहिर करता है, और वो दो टावर्स नंबर 11 को भी शो करते हैं। विलियम वेन अपनी किताब देयर अकल्ट पावर मैस्टिक वर्च्यूज में, जो नंबरों की किताब है, उसमें लिखता है कि नंबर 9 भी अकल्ट नंबर में शामिल किया जाता है, और जो भी खुफिया अकल्ट को मानने वाले होते हैं, वो किसी भी वाक्य को बनाने के लिए किसी खास तारीख को चुनते हैं। ऐसी तारीख जो किसी भी ऑकल्ट नंबर से मिलती हो, और इसमें एस्ट्रोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी कौन सा सितारा किस तरफ है, फला सितारे की पोजीशन क्या है, वगैरह वगैरह। हम आपको बता दें कि सैटर्न और प्लूटो, जिनको ये जादू करने वाले तबाही का देवता मानते हैं, और दिलचस्प बात ये है कि ये दोनों सितारे एक दूसरे के नजदीक थे जब ये हादसा पेश आया। इसके अलावा स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जो पैगन गॉड सूरज को शो करती है, साथ ही मैं आपको बता दूं, इसके हाथ में जो मशल है वो लूसीफर यानी इबलीस को शो करती है, और सूरज भी इबलीस को ही शो करता है। तो मैं आपको बता दूं, ये एक मास रिचुअल था जिसमें बहुत सारे लोगों की बलि दी गई थी। और दोस्तों, इस न्यूमरोलॉजी को समझने के लिए मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाऊंगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि इस हादसे से मिलते हुए जो भी नंबर थे, वो सारे नंबर
हर तरफ से मिलकर बस 11 यानी 11 बना रहे हैं। दोस्तों आपने इस वीडियो को देखा ना, किस तरह से हर नंबर 11 बना रहा है। हम लोग ये भी जानते हैं कि जब भी इनको अपनी प्लानिंग को अंजाम देना होता है तो ये लोग उसको पहले से ही लोगों के जहनों में भर देते हैं। इसमें ये कार्टून कैरेक्टर्स, फिल्में, मैगजीन जैसी चीजों को इस्तेमाल करके लोगों की जहन साजी करते हैं। इसमें सिम्पसन, जॉनी ब्रावो जैसे कार्टून शामिल हैं। इसके अलावा मिल्टन विलियम्स कूपर, जो कि एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट था और एक ईसाई फैमिली से आता था, उसने इस हादसे से पहले जून में ये बात को अपने एक पॉडकास्ट में पहले से ही कह दिया था कि अमेरिका एक बड़े अटैक का सामना करेगा जिसका इल्जाम ओसामा बिन लादेन पर लगाया जाएगा, जबकि असल में इसके पीछे वो लोग होंगे जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाना चाहते हैं, यानी सीक्रेट सोसाइटीज वाले लोग होंगे। हम आपको बता दें, ये बात इसने जून में बोली थी और नवंबर में इसको मार दिया गया था। आप खुद इसका वो ब्रॉडकास्ट सुन लें। And now we're being bombarded with messages that Osama bin Laden is planning to attack the United States of America and Israel. And I'm telling you, be prepared for a major attack. But it won't be Osama bin Laden. It will be those behind the New World Order who once again want to take the guns and the freedom away from the American people. तो दोस्तों आपने सुना मिल्टन विलियम्स कूपर क्या कह रहा है। इनको लगता है कि सब कुछ इनके प्लान के मुताबिक हो रहा है और ये बहुत बड़े प्लान करने वाले हैं। लेकिन इन्हें क्या पता है कि इनकी रस्सी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ढीली छोड़ दी है और इनके लिए एक बड़ा प्लान किया जा चुका है, क्योंकि हम सब जानते हैं अल्लाह इज द बेस्ट प्लानर। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।